जो है बहुत डिटेल में और हाई लेवल का आता है सी ए के कोर्स में सी एस के कोर्स में सिलेबस इज ब्रॉडर सी एस में बट द के लेवल दी बहुत easy होते हैं दे आर टोटली एमसीक्यू बेस्ड जोन सी एस वेरी वेरी इजी द फर्स्ट लेवल ओनली द फर्स्ट लेवल जब सी एस एग्जीक्यूटिव द सेकेंड लेवल में जाते हैं तब पता चलता है कि एक्चुअली में सी एस क्या है सी एम इज बिटवीन द टू सी ए जितना उतना हाई फाई क्वेश्चन भी नहीं आते बहुत प्लेन डायरेक्ट ईजी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सी एम ए में बट एट द सेम टाइम सी एस जितना ईजी भी नहीं है द फर्स्ट लेवल मैं सारे फर्स्ट लेवल की बात कर रहा हूं सी ए सी एस सी एम ए में यहां पर ऑलमोस्ट क्लासेज सेवन डेज अ वीक होगा शुरू में शायद भी स्लो चलेंगे बिकॉज बहुत टाइम बचा हुआ है इनिशियली विल बी हैविंग थ्री क्लासेज अ वीक फॉर कमिंग वन वीक टू वीक बट आफ्टर दैट सिक्स टू सेवन डेज अ वीक चलता है एंड एनवायरमेंट जो यहाँ पर होने वाला है इट्स गोइंग टू बी वेरी होमली एनवायरमेंट वी कंसिडर यू एज आर फैमिली मेम्बर्स सिर्फ डायलॉग मेरे के लिए नहीं बट आज भी जो स्टूडेंट दस साल पंद्रह साल पहले भी मेरे से पढ़े हुए मुझे पढ़ाते हुए उन्नीस साल हो गए आई एम नाइनटीन ईयर्स ऑफ एज इन टीचिंग वैसे माई एज इज फोर्टी प्लस सो मैं ये चाहूंगा कि आप भी वही जज्बे से अपना समझ के पढ़े एकदम हंसी से पढ़े क्योंकि पढ़ाई जितना हंस के करोगे ना उतना अच्छा लगेगा हंसी लाओ चेहरे पर हंसी लाओ आप लोग एकदम मतलब लग रहा है कि एकदम प्रार्थना और करके आए हैं जो भी धर्म को मानते हैं और फिर एकदम टेंशन में कि क्या होने वाला CS, CS है सी के टीचर्स है वी रिस्पेक्ट यू मजाक भी होगा पढ़ाई के समय कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा बट एट द सेम टाइम बेसिक डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है क्लास में रेगुलर रहिए क्लास में रहते वक्त तफरीबाजी या कुछ भी बातचीत ज़्यादा नहीं हो सकता थोड़ा कर लिया चलता है बट इफ यू आर टीचिंग दैट टाइम यू हैव टू बी अलर्ट अटेंटिव आप इधर उधर का उस समय ना सोचें चलो ट्राई मेरे को बताना अगर आपको आता हो ये जो एक शब्द आप देखोगे इसका क्या मतलब है स्टैट्यूट स्टैच्यू नहीं क्या ये स्टैट्यूट तो ये स्टैट्यूट का मतलब क्या है वॉट यू मीन बाय द वर्ड स्टैट्यूट एनी वन इन द क्लास रूम बोलो थोड़े करीब हो पर वैसे दूर हो वेरी गुड स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ स्टैट्यूट का मतलब होता है एक्ट ए कैपिटल होगा ए विल बी कैपिटल स्मॉल लिखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा तुम्हारे ओके तुम्हारे जो कार्य होते हैं वो हो जाएगा दिस इज एक्ट कोई एक और सनॉनिम बताओ इस शब्द का लॉ और एक्ट के बाद टेलमी अबाउट वन मोर सनॉनिम पर्याय इसको और क्या नाम से जाना जाता है एनी वन इन द्लास लेजिस एक और बताओ ई से होता है ये सारा पता होना चाहिए बेसिक्स शुरू हुआ है थोड़ा सा आज पढ़ाई नहीं है पढ़ाई कल से होगा पर ये भी जरूरी था ये सब वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। नो, एक और हैंडस देता हूं एन हाँ हाँ नहीं ए हाँ enactment तो स्टैट्यूट इज ऑल्सो नोन बाय लॉ इज ऑल्सो नोन बाय एक्ट इट इज ऑल्सो नोन बाय लेजिस्लेशन एंड इट इज ऑल्सो नोन बाय इन एक्टमेन चारों शब्द मिल गए आप लोगों को चलो लिखो इसको पेज पर जो भी पेज लाए आज आप <laughs> पेन वेन सब ले आना खरीद लेना आज आजकल में जब भी और जो लेट है उन लोग वीडियो देखेंगे तो शुरू का पच्चीस मिनट फिर से तो स्टैट्यूट का मतलब लॉ है एक्ट है लेजिसलेशन है एनेक्टमेंट है अब एक बात बताओ भारत में लॉ कैसे बनता है नहीं आइडिया सिविक्स पढ़ा होगा आपने इलेवन ट्वेल्व में भारत में लॉ कैसे बनता है बताओ पार्लियामेंट में क्या होता है एनी आइडिया बिल पास होता है सुना था सिविक्स में था यार क्लास सेवन में लोकसभा सुना है वर्ड राज्यसभा सुना है तो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वो बिल पास होता है जिसमें लॉ लिखा रहता है जब दोनों हाउस उसको पास कर देते हैं तो अपने बोलते हैं लॉ पास हो गया लॉ बन गया बट वो लॉ अभी भी भारतवर्ष को अप्लाई नहीं करता है। भारतवर्ष को लॉ से करेगा President of India एक तारीख लिखेगा, जो गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल बुलेटिन होता है जिसको बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट हिंदी में बोलते हैं भारतीय है, राजपत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो तारीख जब नोटिफाई कर देगा इस तारीख से भारतवर्ष को ये लॉ अप्लाई करने वाला है उस तारीख से अप्लाई करेगा तो ये भी रफ है इसमें भी अंदर बहुत डिटेलिंग होती है तो चलिए रफ आइडिया लिखिए हाउ इज लॉ मेड हाउ इज एन एक्ट पास सेंटेंस चेंज कर दिया इन इंडिया पास द बिल इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट Pass the bill. Soon How is an act passed in India? Pass the bill in both houses of parliament. Pass the bill in both houses of parliament. Then president signs and notifies a date from which the act becomes applicable. The president then president signs and notifies the date from which the act becomes applicable. The president signs and notifies a date From which the act becomes applicable. Is it okay everyone? तो एक act कैसे बनता है हम लोग को idea हो गया हाउसेज में धीरे से लिख सकते हो लोकसभा एंड राज्यसभा में पूछता नहीं है जो मैं भी पढ़ा रहा हूं पर ये बेसिक है जिसके बिना आप आगे कैसे बढ़ेंगे कि हमारे भारत में कोई लॉ कैसे बनता है और आपको पता है पहले जितने भी कानून थे ना मोस्ट ऑफ दैम उसमें लिखा रहता था एक डायलॉग दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर पर आपको सब पता ही आर नॉट अगेन टचिंग दैट इशू वो आप यूट्यूब में बहुत वीडियोस होंगे लोगों के कि जम्मू कश्मीर को भी अब बहुत सारे कानून अप्लाई करने लगेंगे जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का कि बहुत सारे कानून आजादी के समय से याद है ना तो वो पहले अप्लाई नहीं करते थे पर अब बहुत सारे कानून जम्मू कश्मीर को भी अप्लाई करने लगेंगे तो ये दोनों शब्द क्लियर है अब एक बात बताओ मेरे को लॉ में हमारा जो इंडिया का लॉ है वो किससे इंफ्लुएंस हुआ इंग्लिश लॉ ब्रिटिश लॉ से बहुत हम लोग इन्फ्लुएंस है बताओ क्यों इन्फ्लुएंस है ब्रिटिश लॉ से अरे उन लोग ही तो था यहां से कितना साल हम लोग पर समझ में आ रहा है क्या क्या किया तो इंडिया इज इंफ्लुएंसड बाय ब्रिटिश लॉ ब्रिटिश लॉ हम लोग को बहुत इन्फ्लुएंस किया है तो कई चीजें तो ऐसी है कि जो इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है वो सेम टू सेम कहां पर मिल जाएगी आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एंड हम लोग अपने अनुसार चेंजेस भी लाए ये भी क्लियर है ना तो इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बहुत सारी चीजें हमें कहां मिल जाती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एंड वी हैव आल्सो ब्रॉट लॉट ऑफ चेंजेस क्यों चेंजेस लाए हम लोग अरे हमारे देश में ये चीज अपने हिसाब से करेंगे ना हम लोग पर आपने कभी साल देखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन आपको नाम पता था क्या लिखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन सोचिए कितना पुराना यानी कितना अच्छा एक्ट होगा कि आज तक हम लोग उसको चला रहे हैं डू यू फील 1972 नहीं है 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब से चल रहा है यानी इट्स वेरी गुड एक्ट कोई जो इतना पुराने से एक्ट चल रहा है मतलब जरूर दम है तभी ना चला रहे वरना वी कुड हैव चेंज इतने सारे लॉज अभी भी चेंज होते हैं इतना सॉलिड एक्ट है कि वही वाला विद सम चेंजेस हुआ है अभी जिसमें वही वाला एक्ट क्या चल रहा है अभी तक भारत में चल रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड रियली बता रहा सिर्फ आपको बेसिक्स बता रहा हूं थोड़ा सा वर्ड सुनकर क्या लगता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा आज आपको मैंने बोला विल यू बाय माई हाउस फॉर थ्री करोर्स ये रेडी हो गए अग्रीमेंट बन गया और उसके बाद हम इनको घर बेच नहीं रहे। कैन ही फाइल द केस मैंने धोखा दिया ब्रीच हुआ है, ब्रीच ब्रीच मतलब के टर्म्स को हम चेंज किया तो कौन केस फाइल करेगा मैं अमित बचाव हूं ये डीकेजी मैं घर बेचने का सौदा इनके साथ किया था या गाड़ी बेचने का सौदा इनके साथ किया था केस कौन फाइल करेंगे तो डीकेजी को क्या बोलते हैं जो केस फाइल करता है प्लेन ये सब आएगा पढ़ाई के दौरान प्लेटिव में क्या लिखोगे वन हु फाइल्स द प्लेंट प्लेट मतलब क्या होता है जब वो एडमिट हो जाता है वो सूट बन जाता है पहनने वाला सूट नहीं है केस को बोलते हैं. और जिसके अगेंस्ट में फाइल हुआ है डिफेंडेंट <coughs> का मतलब है अगेंस्ट होम द सूट इज फाइल्ड अगेंस्ट होम द सूट इज फाइल्ड प्लेटिव का मतलब है वन हु फाइल द प्लेट और डिफेंडेंट मतलब अपोजिट पार्टी ये और नो तो कई केस लॉज में आप देखेंगे ऐसे लिखा रहेगा प्लीज सुनकर रखो डैश वर्सेज डैश मतलब इधर सपोज चिन्नैया वर्सेज रमैया तो वर्सेज का मतलब ये जो पहला नाम ये कौन है प्लेन टो केस को फाइल किया है जो सूट को फाइल किया है पढ़ा होगा कॉलेज में एक एग्जाम तो हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एंड ये ऑपोजिट नाम क्या है डिफेंडेंट अच्छा कॉलेज की नॉलेज से कंपेयर मत करिएगा वहां तो क्या क्या पढ़ाया गया मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ जब फाउंडेशन का बैच चल रहा था पिछला लोग वहां का ले लेके आते थे ओके विद ऑल यू रिस्पेक्ट टू देम उन लोग एक अलग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलाते हैं दो हजार का कॉलेज में एक अलग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलता है ऐसे ऐसे बातें सुनने में आता जो हम लोग कभी नहीं सुने सी एस बनने के समय भी मैं सी भी हूँ सी भी हूँ और बिकॉम तो ऑटोमेटिकली तो पहला जो पार्टी होता है उसको क्या बोलते हैं एंड द ऑपोजिट पार्टी इज कॉल्ड एज डिफेंडेंट ओके अब क्वेश्चन ये उठता है कि लॉ क्यों दरकार वाई इज लॉ रिक्वायर्ड इन सोसाइटी छोटा एग्जाम्पल लो अगर ट्रैफिक के नियम कानून लॉ नहीं हो तो आप समझ लीजिए क्या होगा धूम मचा ले एक बाइक उधर से आ रहा है एक बाइक उधर से इधर से ठेला गाड़ी इधर से रिक्शा इधर से बस निमतला 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 बस वाला पूछते पूछते वहीं पहुंचा देगा आपको कैलका स्टूडेंट समझ गए होंगे निमतला क्या है

तो ये सब मैं लिखवाऊंगा भी नहीं ना बोर करूंगा कॉलेज की तरह आपको मेरे पास बहुत स्टफ है डिसाइड करने के लिए स्टार्ट ओके फ्लाइट इज रेडी फॉर डिपार्चर ये एक प्रॉपर फर्स्ट क्लास जिसको आप बोल सकते हैं ये वो है आपको एक चीज मैं बता दूं दैट लॉ पढ़ने के समय सेक्शन नंबर्स आएंगे हमारे डिस्कशन के दौरान केस लॉज भी आएंगे पर सेक्शन नंबर और केस लॉ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है सेक्शन नंबर आपको अगर याद नहीं होता है तो उसको लेकर टेंशन में मत आइए वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाता है स्टूडेंट्स की कॉमन क्वेरी अगर हम सेक्शन नंबर नहीं लिखेगा तो मार्क्स कितना कटेगा तुम चिंता मत करो तुम अगर लॉ ठीक नहीं लिखेगा तो मार्क्स जीरो मिलेगा आपको तो द फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग राइटिंग एंड द केस लॉ भी नाम अगर भूल जाओ तो भी चलेगा बट जो लॉ का तथ्य आप लिख रहे हैं सब्सटेंस ऑफ लॉ शुड नॉट बी इन एनी मतलब कॉन्टेक्स्ट कोई भी तरीके से उसका मीनिंग चेंज मत कर देना तो ये एक नया सब्जेक्ट होता है न्यू सब्जेक्ट फॉर यू इट इज नॉट एट ऑल थियोरिटिकल इट इज टोटली प्रैक्टिकल जो आपके संग हो सकता है कोई आपको ठग सकता है लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट करके उसी के प्रति आप और ज्यादा आगाह हो जाएंगे पहले से एंड बी मोर अलर्ट ओके तो मैं शुरू के चार मिनट जो बहुत ही हो सकता है कि बोरिंग हो पर शुरू करूंगा पहले तो एक देखो यहां पर लिखा हुआ है। बुक बुक ही नहीं निकाली बैग से। मतलब बुक मतलब पेज, the page which we have given. पीछे पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा या, या या। बुक तो मिला नहीं है वो आज प्रिंट होके कल तक आ जाएगा ठीक है ये पेज आपके पास नहीं है अभी एक, एक मिनट सुन सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है जस्ट सी फ्रॉम द स्क्रीन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं कोई भी कानून को हम लोग एक्ट बोलते हैं या कुछ शब्द और होते हैं सुना होगा आपने कैन यू सॉरी और बताइए और क्या नाम से एक्ट को जानते हैं हम लोग कल सुने थे जब ऐसे गेट टूगेदर क्लास में मिले थे इन ये कुछ तीन शब्द हैं जो हम लोग प्राय सुनते हैं लेन कल वाला ही पेज है कल अगर आप ले होता है राज्यसभा में भी वो बिल पास होता है फिर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर मिल जाते हैं जिसको असेंट बोलते हैं और एक तारीख नियुक्त की जाती है ऑफिशियल गैजेट में इस तारीख से संपूर्ण भारत को या भारत के कुछ भाग को छोड़कर कई बार लॉब लिखा रहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल है या ये कानून एप्लीकेबल है दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस कि कोई एक्ट हमारे कंट्री को अप्लाई कैसे करता है पहले वो बिल सबको उठा हुआ प्लीज उठ जाइए इसको पढ़ाई मत समझिए यही सोचिए कि बिजनेस में काम आएगा और आप लाखों करोड़ रुपया अपने आपको ठगने से बचा सकेंगे जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए भी एक अच्छा बुनाजा ऑफर है जो मेरा पढ़ाई है ना वो आप अगर पढ़ाई छोड़ भी रहे तो बिजनेस में काम आ जाएगा ये सोचो कैसे लोगों को ठगना है सॉरी कैसे अपने आप को ठगने से बचाना है तो मैं ये बोल रहा था कि एक्ट कैसे बनता है लोकसभा बिल पास कर दिया बोलो थोड़ा था लिपसिंग करते राज्यसभा बिल पास कर दिया प्रेसिडेंट साइन कर दिया अब नोट्स है क्या पूछ लो और प्रेसिडेंट के के साइन बाद ऑफिशियल गैजेट में एक तारीख आ जाती है उस तारीख से संपूर्ण भारत को वो कानून अप्लाई करने लग जाता है यहां तक तो एनी प्रॉब्लम नहीं तो यही चीज यहां पे लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को प्रेसिडेंट का साइन मिला ट्वेंटी अप्रैल 1872 ये एमसीक्यू में आ जाता है बीकॉम एग्जाम में भी रुको रुको प्रेसिडेंट का साइन मिला 25 अप्रैल से पर ऑफिशियल गैजेट में लिखा गया था कि ये फर्स्ट सेप्टेंबर पॉज करिएगा सेप्टेंबर 1872 से ये भारत को अप्लाई करने लगा था और लिखा हुआ था उस जमाने में एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है ना जम्मू कश्मीर को पहले बहुत सारे कानून अप्लाई बट आपको ये भी पता होगा जुलाई 2019 में कुछ हुआ था और उसके बाद समझ में आ रहा है मैं बाकी बाकी अभी हिस्टोरिकल मोमेंट्स को यहां पर दोहराना नहीं चाह रहा हूं पर यह तो एटीन का एक्ट बना हुआ है तो इसमें भी अभी भी क्या पड़ा हुआ है इट अप्लाईज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एक तो बात देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को प्रेसिडेंट का सिग्नेचर 25 अप्रैल को मिला एमसीक्यू अप्लाई हो जाए ये 1872 में आप देखोगे, यहां से अप्लाई करना शुरू किया है तो ये पेज आपके पास है नहीं कैलकटा में बट जब लोग पेनड्राइव में कर रहे होंगे एक चीज और इस पे भी बाद में आऊंगा शुरू करता हूँ सीधा मेन पढ़ाई पर यस yes. कल एक एग्जाम्पल लिया था मैंने आपको याद होगा उस एग्जाम्पल को गेट uh, टुगेदर वाले क्लास में वैसे आज प्रॉपर क्लास है फिर से दोहराता हूं उस एग्जाम्पल को किसी को तो बुलाना पड़ेगा इनको भेजो रेड टी शर्ट ब्लू कॉलर आइए स्टेज पर आइए आप आए थे कल ओ हैव सीन इट ओके कम ओके डरो मत अरे एकदम डरो मत कुछ भी तुमको ना गाना गाना है ना कुछ करना है सिर्फ एक मधुर एग्जाम्पल है क्या नाम है आदित्य आदित्य एग्जाम्पल है हाँ भावुक मत होगा आदित्य का शादी आदित्य की शादी हो गई है अदिति से सपोज एग्जाम्पल है किसी का नाम अदिति हो तो आपका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है या, या, प्लीज कम आप तो नहीं थे कल जी आपने एडमिशन आज लिया है ओह कल एबसेंट थे बैकअप किया आपने कल ओहो ये स्वागत है कलकत्ता में जल्दी बैठिए बच जाएंगे जस्ट जा शुरू है और आते ही धमाकेदार एग्जाम्पल से आपका स्वागत है बैठिए कुछ टेंशन नहीं है पेन वेन निकाल लीजिए नोट दीजिए शंकुदा ओके तो आदित्य का शादी हुआ हुआ है अदिति से ओके तुमने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया बैठते बैठते सुनिए इधर आ जाइए सेकंड रो बैठते बैठते सुनिए इसने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया तुम एनिवर्सरी पर उसको कुछ सामान देने वाले थे कुछ हीरो का हार वार क्या प्रॉमिस किया बताओ खुल के बताओ डायमंड रिंग डायमंड रिंग uh, कितने रुपए से कौन से शोरूम uh, से लेने का सोचे हो क्रिएशन uh, कहाँ पर स्ट्रीट ओके uh, okay, तुम वहीं रहता है क्या देखा हुआ है क्या ओके okay, मतलब सब पूरा मतलब पूरा देखा है बेस्ट सबसे अच्छा क्वालिटी का डायमंड कहाँ मिलता है okay. uh, तो डायमंड रिंग तुम देने का सोच रहा है कितने लाख का था मतलब सॉलिटेयर था कितने लाख का था पूरा 25 लाख अब जानते पूरा रेट भी सही बोल रहा है 20 25 लाख लगते हैं अच्छे डायमंड रिंग अगर पीस हो तो तो 25 लाख का डायमंड रिंग तुम प्रॉमिस कर दिया था दीदी को हाँ कब आता है तुम लोग एनिवर्सरी कब आता है सितंबर 17 नहीं नहीं उसमें तो शादी का मोहरत नहीं रहता है तो कुछ अच्छा वो बताओ मतलब अच्छा सादा देखकर मारवाड़ी घरों में बोलते हैं नवंबर 25 नवंबर 25 ओके नवंबर 25 को इसका एनिवर्सरी है और ये डायमंड रिंग देगा अदिति को बोल चुका अदिति इज हाईली एक्साइटेड नॉट अबाउट द एनिवर्सरी बट अबाउट समथिंग एल्स डायमंड रिंग आज 25 नवंबर है तुम दिया क्या अदिति को डायमंड रिंग नहीं दिया कैसे चल रहे हैं तुम्हारे रिश्ते अब मतलब आज <laughs> की शुरुआत सुबह कैसे हुई है? निशब्द हंस रहा है सदमा में आ गया हंस रहा है डायमंड रिंग प्रॉमिस किया एक मिनट हुई तो एक्सेप्टेड द प्रपोजल ओके कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं।, नहीं एक वैसे तो मतलब एग्रीमेंट हुआ मतलब लग रहा है तुमको हो गया एग्रीमेंट अब तुम नहीं दे रहे यू नो नो Why? No.

तो अमिताभ बच्चन ने जया भादुरी बच्चन बहुत डोमिनेटिंग है छोटी सी तो, या या, uh, रिलेटिव तो मतलब तो अमिताभ बच्चन, uh, बच्चन को मैं तुमको हीरो का हार दूंगा दो करोड़ का उनका तो रेट भी थोड़ा ज्यादा होता है गिफ्ट का दो करोड़ का हीरो का हार दूंगा नहीं दिया लास्ट में एक गेंदा का देखो माला गायब है ना पीछे यही पहना दिया उसके बाद क्या हश्र की होगी जया भादरी बच्चन सर सोचिए कैन शी फाइल द केस नो बिकॉज इट्स अ सोशल अग्रीमेंट एंड इसमें कानून इसको सुनेगा नहीं इंग्लिश में बोलते हैं इट इज नॉट लीगली वो वर्ड चाहिए मेरे को इट इज नॉट लीगली एनफोर्सिएबल मैं शब्द लिखकर दिखाऊंगा वापस जस्ट शुरू है बैठिए आपका कल थी ओहो कोई फ्रेंड है आपकी कौन है वहीं बैठ जाइए ना वो थोड़ा गाइड करती रहेगी हाँ सखियो बैठो ये देखिए शाहरुख खान नाम तो सुनाओगा बादशाह खान तो शाहरुख खान ने भी अपनी पत्नी गौरी खान को बोला था मैं हीरो का हार दूंगा और नहीं दिया लास्ट में इतनी एटीट्यूड और गुस्से वाली पार्टी में गई है देखो बिना गहनों के आभूषण गायब है कि वो हीरो का हार नहीं आया बोले और भी हार है कोई एक पहन लो नो इज नॉट इंटरेस्टेड आई वॉन्ट दैट हार विच यू शोड मी इन द व्हाट्सएप ये वाला हार तुम्हारे पास आने वाला है तो ऐसे कई बार प्रोमिस होते हैं जो हस्बैंड वाइफ पूरा नहीं कर पाते एक दूसरे को तो कोई केस नहीं बनता है ये देखिए अभिषेक बच्चन फिल्म लाइन में आने के पहले सपोज सी कर रहा था पिताजी ने बोला था बेटे तुम जल्दी से सी कर लो तुम्हारे लिए फिल्म लाइन ठीक नहीं है ज्योतिष को मैंने दिखाया है शुरू में तो चला ही था फिर भी तो तुम सी कर लो मैं तुमको सी करने के बाद बहुत इतने करोड़ रुपए दूंगा ये सी भी कर लिया ओके सी करने के बाद ये बोला मेरे को इतने करोड़ रुपए दीजिए पिताजी नहीं दिया अमिताभ बच्चन ने कैन ही फाइल द केस Again, it's a है ना? तो and मिले पहली बार दिख रहा है साइड फेस देखिए चेहरे पर क्या हंसी है और कुछ देर बाद उन लोगों गाना भी गाया है ब्रेकअप सॉन्ग ब्रेकअप सॉन्ग तो इसने प्रमिस कर दिया है हम शादी बनाएगा तुम्हारे सॉन्ग हम इतने तारीख को ये संगीत का फंक्शन है बैचलर्स पार्टी इतने तारीख को है पूरा प्लान बन गया पर आप तो जानते हैं इसकी फितरत ये धोखा दे दिया और उसके बाद कैंस्यू फाइल द केस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितने सारे मेरे संगे घुमाया इतना हमको सपना दिखाया कैंस्यू फाइल द केस यू कैन नॉट बिकॉज ये कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है दीज आर नॉट वॉट कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नॉट आउट अगेन या इस ओके ना अब एक बात बताओ मेरे को एक बात ये बताओ कि सपोज उसका नंबर है एट एट थ्री वन तो मैंने अपनी गाड़ी एट एट थ्री सरदार जी को आइए सरदार जी जी इकलौते सरदार हमारे क्लास में आप हर टर्म में भगवान एक भेज देता है अच्छे में काम आते हैं आइए प्लीज गुस्सा तो नहीं हुआ है अच्छा लगा ना मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल और भी आइए प्लीज सरदार जी <laughs> अरे बजाओ ना देखो तालियों का दो फायदा है एक तो क्या होता है तो पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता है ऊपर से जो लोग नींद में सोए है रहते हैं कुछ हुआ है उन लोग उठ जाते हैं तो सरदार जी इनके संग क्या हुआ सरदार जी को मैंने सौदा किया 8 -8 मैं अपनी एक पुरानी गाड़ी एट एट थ्री वन नंबर है गाड़ी का बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है ऑफर में मेरे पास तीन गाड़ी हैं मैं अपनी एट एट थ्री वन की गाड़ी इनको बेचूंगा सात लाख में ग्यारह लाख की गाड़ी थी मैं कितने लाख में बेच रहा हूं सेवन लाख में खरीदोगे आप यस सर कितने में बात हुआ है सात लाख और ही इज एक्साइटेड वाओ इतना अच्छा गाड़ी है सर मेंटेन अच्छा करते हैं मैं सेवन लाख ,00 में ले लूंगा बट मैं इसको अब इल्ले सौदा पूरा अंडरस्टूड क्या तुम मेरे खिलाफ के केस कर सकते हो नो सर क्यों ओ oh, ये तो भावुक हो गए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सर के खिलाफ केस कैसे होगा क्यों नहीं कर सकते क्योंकि तो सर हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं बुरा ना हुआ ना सौदा वो एग्रीमेंट हुआ है आपने कुछ प्रूफ के तौर पर साइन तो नहीं साइन भी कर दिया अब बोलो हाँ आप कर सकता हूँ केस okay, क्यों आप क्या ऐसा क्या खास बात हो गया सर हमारे पास एक प्रूफ के तौर पर एक कोर्ट का पेपर भी है कि आप यानी हाँ मतलब कहने का मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि अग्रीमेंट है अच्छा एक मिनट ये ना अग्रीमेंट करवाइए गौरी खान हीरो का हार के लिए प्रॉपर साइन करवाइए अब बताओ होगा होगा कदापि नहीं सोशल अग्रीमेंट है लो चालू हो जाएगी ना वाइफ लोग सब सब अपने पति से साइन करवा लेगी कोई वैल्यू नहीं है अच्छा बता दी सिर्फ ये सिर्फ लिखित प्रमाण पत्र पर ही विश्वास कर रहा है पर प्रमाण पत्र से ज्यादा तथ्य पर विश्वास करना होगा लो अच्छा स्टडी आया हुआ टू राइट दट यूरो का साइंड लेटर ऑन ही डिनाइड नाउ कैन वाइफ ऑन द रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फाइल द केस एंड इन द कोर्ट नहीं हो सकता बिकॉज सोशल अग्रीमेंट्स आर नॉट इनिबल तो उसी तरह मेरे इस example में में बताओ क्या फर्क था ये कमर्शियल अग्रीमेंट है चलो बैठो। well tried. ये commercial agreement है और इसमें देखो मैं इसको क्या दे रहा हूं गाड़ी ये मेरे को क्या दे रहा है मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है कैश इसके लिए कंसिडरेशन क्या है दोनों कंसिडरेशन मतलब क्या होता है समथिंग इन रिटर्न आर यू अग्री दिस विद दिस तो कंसीडरेशन है हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं प्रॉमिस कर रहे हैं देर इज अ कंसीडरेशन इन्वॉल्व यस और नो तो याद रखना कि तब ये क्या हो जाएगा बताइए कोर्ट सुनेगा तो so, जो बच्चे एबसेंट थे कल या आए थे पर मेंटली एब्सेंट थे बोर्ड पर एक शब्द देख लो कल हम लोग एक वर्ड सीखे थे इनफोर्सिएबल बाई लॉ क्या शब्द सीखे थे मतलब बाय uh, लॉ मतलब है कैन बी हर्ड बाय द कोर्ट इनफोर्सेबल एबल मतलब सुनने लायक है कैन बी हर्ड बाय द कोर्ट बट सोशल अग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ जो सोशल अग्रीमेंट्स होते हैं दे आर नॉट हर्ड बाय द कोर्ट पक्का एवरीवन क्लियर है लीगल इनफोर्सिबिलिटी एक वर्ड यूज करूंगा मतलब कि दिस दिस केसेस कैन बी हर्ड बाय द कोर्ट अब सपोज कोई फ्रेंड है ना सीए फाइनल में फर्स्ट आ गया हायथ होटल में बुलाया आपको आप तो चले गए उसको आपको रात को नौ बजे बुलाया था पर चार बज गए सुबह के आप ऐसे बैठे बैठे गा भी रहे दोस्तों तो आया नहीं जो इन्वाइट किया वो तो आया नहीं चार बज गए पर पार्टी अभी <laughs> बाकी है चार बज गए सूर्योदय हो गया और जब सूर्य की किरणें पड़ी आप पर तब आपका दिमाग गर्माया और गर्म हो गया आप और बुरा उसके खिलाफ कुछ कर पाएगा क्या तुम कुछ नहीं कर पाएगा क्यों नहीं कर पाएगा सोशल है तो स्विच ऑन द लाइट्स फैन रेगुलेटर के पास होंगे शायद तो ऐसे सिचुएशन में रिमेम्बर पहले कल एक बात सिखाया था मैंने आज वापस रिपीट कर रहा हूं एग्जाम में केस स्टडी आता है सीए फाउंडेशन में

तो अगर सपोज ये फ्रेंड वाला केस स्टडी आता कि हायत में पार्टी देने के लिए बुलाया है तुम बताओ केस बनेगा या नहीं बनेगा तो कभी भी आंसर ऐसे शुरू नहीं करते फ्रेंड कैन नॉट डिमांड एनीथिंग फ्रॉम दैट फ्रेंड हुज इन्वाइटेड टोटल रविश हमेशा लॉ के आंसर लिखने के समय अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन अग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाई लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन द प्रेजेंट केस इन्विटेशन

बट हमेशा पहले लीगल लाइन सेकेंड लाइन बताओ फैक्ट्स कि वहां क्या क्वेश्चन है और थर्ड लाइन बताओ और कंफ्यूज करने के लिए सरदार जी आपको देंगे इट वाज रिटेन एंड साइंड एग्रीमेंट दैट दैट हस्बैंड टोल्ड आई विल गिव यू हीरो का हार कोई फर्क नहीं पड़ता है लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता सोशल अग्रीमेंट तो सोशल अग्रीमेंट रहेगा इज इट ओके यानी देखो ये दो चीज जब मिल जाता है ना तब वो बनता है क्या कॉन्ट्रैक्ट इज इट ओके चलिए मैं ना कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स लाया हूँ आपके लिए इसको भेजो बॉडी बिल्डर भैया आइए क्या नाम था हाँ स्टेज पर आओ

बहुत इसको अलग अलग पार्टियों के लिए मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इसके ये बहुत सारे फ्रेंड्स के लिए पूरा अलग अलग गिफ्ट पैक कराएगा सुबह घुसा है ये बहुत शॉपिंग कर रहा है ये और शॉपिंग जब करने जाते हैं यहाँ पे है ना हैंगर में टंगा हुआ रहता है पुराने जमाने के शॉप्स याद है आपको वहां दुकानदार को जाके बोलना पड़ता था कुछ नया है तो दिखाइए ना रेड में कुछ दिखाइए ना जिसमें इधर थोड़ा डिजाइन हो इस टाइप का बोलना पड़ता था अब बोलना नहीं पड़ता बिकॉज एवरीथिंग इज डिस्प्लेड आपको जो पसंद है ट्रायल रूम में पहनिए हम तो बोलते हैं खरीदिए भी मत फोटो खींच के फेसबुक में अपलोड कर दीजिए बस टैग है ना थोड़ा अंदर रहना चाहिए वरना पता चल जाएगा कि खरीदा हुआ नहीं है ये ऐसे ट्रायल रूम में चमका रहे हैं आप तो ये सुबह से शॉपिंग कर रहा था आ, सारा मतलब पूरा आधा से आधा क्वेस्ट मॉल का जितना वो शॉप वहां तो वो वह है ना क्या है वहां शॉप शौप नहीं है लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल से सब भर लिया ये पूरा भारी मात्रा में शॉपिंग की है थक गया ट्रॉली दो दो ट्रॉली खुद धक्का दे रहा है और वहां कैश काउंटर पे कौन खड़े थे उंगली दिखाओ डीके जी डीके जी कैश काउंटर पे खड़े थे रात के पौने नौ बजे तक इसका शॉपिंग खत्म हुआ है वहां सोचिए क्या खरीदा है कितना खरीदा है तो और जाके बोलता है बहुत दिल से पसंद किए हैं इस सब का बिल बना दीजिए और डीके जी बताओ क्या बोले चॉइस तो आपका बढ़िया है पर जो जो आप पसंद किए हैं उनमें से एक भी तो अवेलेबल फॉर सेल नहीं था दैट वाज ओनली फॉर डिस्प्ले ए बोल के दिखाना एक बार बोलना देख लो अरे सुनेंगे ओके चॉइस तो आपका बढ़िया है पर आपने अच्छा पसंद किया है पर जो जो आप पसंद किया है वो अवेलेबल फॉर सेल नहीं है अब ले इसको गुस्सा आया ऊपर से बॉडी भी है देख के लग रहा है तो हाथ तो हाथ पता है क्या बोलता है आप ऑफर दिया है ये बोला कैसे हैं आप सजाया है पूरा दुकान में आप लोग क्या दिया है ऑफर दिया है हम टाइम खोटी करके एक्सेप्टेंस दिया है तो हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट ठीक बोल दिया नहीं बोल दिया नहीं अभी तो बोल दिया अभी ठोकेगा अभी आप ऑफर दिया है नहीं लग तो रहा है ना बेचारे का टाइम खोटी नहीं हुआ है अब इसके ऐसे एक भी आइटम नहीं है कल सुबह छह बजे से इसका पहला डेट है फिर अलग कोई का छह बजे कोई का आठ बजे कोई का साढ़े नौ मीट एटलीस्ट सेवनटीन पीपल

यानी ये जो पसंद किया है और लेके गया है कैश काउंटर पर वो ऑफर है अब अगला कैशियर पर है मतलब शोरूम वाले पर है वो एक्सेप्ट करे या ना करे यानी अब एक नया चीज बता रहा आपको हम लोग बचपन से क्या सीखा था कॉन्ट्रैक्ट में दो स्टेप्स हैं बताओ तो ऑफर एक्सेप्टेंस जब जो जोर से बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट में दो स्टेप्स हैं ऑफर पर हम लोग बड़ा हो गया आज हम लोग एक नया बात सीखा है कॉन्ट्रैक्ट में कभी कभी तीन स्टेप्स है कि कुछ कुछ केसेस में पहले इनविटेशन टू ऑफर की बात आती है उसके बाद ऑफर आता है नया वर्ड बोला इनविटेशन टू ऑफर यानी वो जो तुम शॉपिंग मॉल वाला सब उठा हुआ है ना सब उठा हुआ है भूख लग रहा है तो मैंने बोला चॉकलेट वॉकलेट खाते रहो एनर्जी लेवल्स मिलते रहते हैं नेक्स्ट दस मिनट के लिए तो अगर तुम्हें ये शॉपिंग मॉल में जाते हो कुछ डिस्प्लेड रहता है दैट इज एक्चुअली इनविटेशन टू ऑफर इनविटेशन स्पेलिंग आता ही होगा टू टी ओ इनविटेशन टू ऑफर तुम जो प्रस्तुत करते हो उठाकर कैशियर के सामने वो क्या है ऑफर और फिर उसके ऊपर है वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे एक एग्जाम्पल और दो ये सब शॉपिंग में डिस्प्ले में हो रहा है सामान ऑक्शन समझता है तुम ऑप्शन yes, yeah. yes, सब बेड लगाना पड़ता वहाँ पे नीलामी जिसको yeah. बोलते हैं तो ऐसा तो तुम बैठो अब नया किसी खिलाड़ी को बुलाते हैं ब्लैक टी शर्ट आओ लेआउट इधर आ जाओ चेयर को क्यों हटवा ओके एम आई विजिबल या ये चेन्नई गया है कैलकटा से चेन्नई चेन्नई एक्सप्रेस सुने हो चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ कर ये चेन्नई गया है और वहां पर एक ऑक्शन अटेंड करने जा रहा है मतलब आया तो सोचा सस्ते में जब ऑक्शन में गया ना तो देखा पूरा ऑक्शन का जो ग्राउंड है पूरा खाली पड़ा हुआ है वहां साउथ इंडियन आदमी था झाड़ू दे रहा था पूछा ऑक्शन ये अलग स्टाइल में समझा एक्सेंट था चेंज करते समझेगा ऑक्शन बोला इल्ले। वो ठीक वो ही रिप्लाई दे रहा था नहीं है इंसिल कैंसिल कैंसिल नहीं है अब ये चिल्ला चिल्ली मचा दिया ऑक्शन का वहां पे मैनेजर बैठा था डीके जी थे मैनेजर तो डीके डीकेजी बोलता क्या हुआ ओके साउथ इंडियन डीके जी है क्या हुआ कहा चलाता है तो हम थोड़ा तो हिंदी भी आता है थोड़ा साउथ इंडियन भी आता है ये बोला वॉट दिस आप लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया सब केस स्टडी है एग्जाम में आए हुए थोड़ा फिल्मी और ऐसा स्टाइज बता रहे कि पढ़ना ना पड़े

समझा ये जो ऑक्शन में जो न्यूज़पेपर पेपर होते हैं वो इनविटेशन टू ऑफर आते हैं आप जैसे लोग वहां भारी तादाद में पहुंचते हैं और बोली लगाते हैं और फिर जो हाईएस्ट बिड होता है उसे तीन बार पुकार कर हैमर फॉल करता है दैट इज एक्सेप्टेंस तो ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यूज पेपर जो दिया गया है आओ आओ ऑप्शन है आ जाओ जिसको आना है ऑप्शन अटेंड करो तो ये जो न्यूज पेपर है ये ऑफर नहीं है इनविटेशन टू ऑफर है तुम जब ऑप्शन में जाओगे ये ऑफर होगा जब बोली लगाओगे और फिर वो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते डिड यू अंडरस्टैंड द स्टेजेस वरना बचपन से जो आदत पड़ा था कि उसके मुंह से कुछ निकला ऑफर हमारे से निकला एक्सेप्टेंस बन गया कॉन्ट्रैक्ट इट्स नॉट लाइक दैट देर आर समाइम थ्री स्टेजेस बैठो किसी और को बुलाते हैं <coughs> <coughs> mm -hmm. भाई लोग बाहर बैठा करो दी लोग हम नहीं बुलाते हैं इन लोग गुस्सा हो जाती है किसको बुला है? इसको भेजो आओ इन लोग पांच सात दोस्त गए थे वहां पर क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट में गए थे स्ट्रीट में एक रेस्टोरेंट नाम सुनियो फोर बाय वन नहीं सुनियो फोर बाई वन मतलब हमारे एक रिलेटिव की जान पहचान का ही है तो वन रेस्टोरेंट फोर बाई वन इन के स्ट्रीट ये वहां गया है ठीक है ये और इसके चार दोस्त गए मेन्यू कार्ड पढ़ रहे थे कुछ ऑर्डर दे रहे हैं लोग मेन्यू कार्ड से बताता हूँ क्या क्या ऑर्डर दे रहे हैं दस प्लेट शाही पनीर पचास नान अरे खाऊ हैं मतलब मतलब अब ये मतलब देख के तो नहीं लग रहा मतलब लेवल देखो डाइजेशन लेवल देखो सब दस प्लेट शाही पनीर और कितना था नान दस पीस नहीं पचास था पचास नान बीस थम्स अप <laughs> तो वो बोला मैं वो जो वेटर था सर थम्सअप नहीं हम लोग क्या इतना गुस्सेल एग्जाम्पल है मतलब पैसे का इतना घमंड वहाँ ग्लास पड़ा हुआ था ग्लास में क्या था पानी होता है पानी भरा हुआ ग्लास उस वेटर के मुंह पे उछाल दिया शराब मेन्यू कार्ड में लिखे हो थम्सअप लिखा हुआ था मेन्यू कार्ड में मेन्यू कार्ड में थम्सअप लिखा हुआ है ऑफर तुम लोग दिया एक्सेप्टेंस अपून किया कॉन्ट्रैक्ट हो गया थम्सअप लाओ कहीं से भी किस पे गिराया था वेटर पे

और तुम्हारे मुंह से जो डकार निकला है ना तो हम सोफ लाओ दिस इज वॉट ऑफर अब अपून एक्सेप्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता यानी ये चीज क्लियर हो रहा है क्या जो बचपन से आधा ज्ञान था कॉन्ट्रैक्ट में दो स्टेजेस होते हैं कितने स्टेजेस होते हैं दो जोर से बोलो जोर से मार खाओ नहीं कभी कभी तीन स्टेजेस भी होते हैं कभी कभी दो भी हो सकते हैं अब जैसे मैं ही बोल दूं विल यू बाय माय कार एटेड थ्री वन फॉर टेन लैक्स और तुम बोलो आई एम रेडी टू बाय योर कार एटेड थ्री वन फॉर टेन ऑफर एक्सेप्टेंस उसमें किल्ली मत करना सर तीसरा स्टेज बनाई ना पहले इन्विटेशन टू ऑफर बनाइए बाद बाद में offer, में में ऑफर एक्सेप्टेंस इट वर्क लाइक दैट बनाइएस पर सिर्फ दो ही स्टेजेस है बट मैं जो आज आपके सामने पैठो प्लीज थैंक यू बिग राउंड ऑफ फॉर हिम मैं जो आपके सामने चारों तीनों केसेस प्रस्तुत कर रहा हूं अभी तक जो किया है उसमें क्या थे तीन स्टेजेस पक्का एवरी वन क्लियर बट जब केस स्टडी आएगा पहला लाइन क्या होगा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन अग्रीमेंट इनफोर्सिबल फोर्स बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट देर आर थ्री स्टेजेस बिफोर इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट समटाइम्स इन्विटेशन टू ऑफर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फिर इन द प्रेजेंट केस फिर समझाओगे और फिर तीन स्टेजेस है पहले लॉ फिर एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट फैक्ट्स एंड देन कंक्लूजन सर कंक्लूजन में लैंग्वेज क्या होगा क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ते हो ना

पक्का होगा फिर तुम उसमें शेयर एप्लीकेशन के लिए लगाते हो फिर तुम अगर सौभाग्यशाली हो तो तुम्हें अलॉटमेंट हो जाता है और अगर तुम दुर्भाग्यशाली हो तो तुम अभागे हो तो तुम्हें अलॉटमेंट नहीं होता है आपको ध्यान से सुनना चीज ये है कि आ, अगर प्रोस्पेक्ट सर्क्यूलेट हुआ है मेरी बात सुन रहे हैं आप तुम लोगों ने उसमें शेयर एप्लीकेशन लगाया तो एक बात बता दू प्रोस्पेक्टस का सर्क्यूलेट इज नॉट एन ऑफर कंपनी वाला ऑफर दिया हम जब एप्लीकेशन के लिए लगाया मेरे को कहीं से नहीं हुआ नहीं होता बहुत लोगों को अलॉटमेंट सुना होगा अकाउंट्स में तो प्रोस्पेक्टस का सर्क्यूशन इज अगेन जगो मुसाफिरो इनविटेशन टू ऑफर है ना एंड शेयर एप्लीकेशन लगाना इज ऑफर और तुम्हें जो अलॉटमेंट हो जाएगा दैट इज एक्सेप्टेंस इज इट क्लियर एवरी वन तो यह चार पांच केस स्टडीज बहुत पॉपुलर है और एमसीक्यू में भी सी एस वालों के बीका वालों के इसमें चूज करने आ जाता है कि प्रोस्पेक्ट का सर्कुलेशन इज ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर एक्सेप्टेंस अगर क्लास किया है तो आप आराम से बता सकते हैं प्रोस्पेक्टस का सर्कुलेशन इज एक्सेप्टेंस है ना ऑफर है ना इनविटेशन टू ऑफर चलिए लुक मैं दो में चुप रहूंगा गुड

सो आई थिंक वी आर फीलिंग बेटर ब्रेक हमेशा अच्छा लगता है ना आप लोग वेट आदे, आदे, break कर देंगे आते ब्रेक का मिलेगा तो ये चारों के स्टडीज हैं ये चारों एम में भी आए हुए हैं बारी बारी तो आई थिंक दिस हैज बिकम बेटर ना अब मैं तीन नए शब्द सिखाऊंगा आपको एकदम डरना मत <coughs> सिर्फ ऑब्जर्व करो पहले तीन नए शब्द हैं ये जैसे वाइड एग्रीमेंट सिर्फ ऑब्जर्व किया आपने अगले पेज में एक और एक नया शब्द है वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलो मिला वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड एक और एक नया शब्द है हमारे और आपके बीच में वर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक जन बोलता है एक ही चीज बार बार क्यों पढ़ता है हम बोला क्यों एक ही तो है वर्ड 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 फर्क है लैंग्वेज में वर्ड एग्रीमेंट वापस ऑब्जर्व करो ईमानदारी से ये समझ गया तो बहुत अच्छा एक बेस क्लियर हो गया वॉयडबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कौन और, और शब्द है void contract सपोज तुम में से कोई है अठारह साल के नीचे अभी भी हैं क्या बोल रहा है सच्ची में आप भैया कितने साल के हैं सेवेंटीन प्लस ठीक है तो ये लड़का सत्रह साल का है कितने साल का है ये लड़का सत्रह साल का है और पता है एक अंकल को एग्जाम्पल डी के जी तो डीके संग सौदा कर लिया डीके जी कहां के हो तुम गांव में मुजफ्फरपुर पहले मुजफ्फरपुर में थे ना कुछ घोटाला क्यों औरंगाबाद में है ये तो ही फ्रॉम औरंगाबाद इन बिहार बिहार में तो है ये यूपी बताओ ना डर क्यों रहे हो नहीं नहीं वहां पे भी एक औरंगाबाद है बिहार में भी एक औरंगाबाद ये बनवाए तो तो डीके जी औरंगाबाद बिहार वाले औरंगाबाद में रहते हैं अंकल है उम्र थर्टी फाइव अरे बताओ ना शर्मा क्यों रहे हो थर्टी फोर कब चार साल से थर्टी फोर ही हो तो डी के जी थर्टी फोर के हैं बोल रहे हैं तो मान लेते हैं और ये बच्चा क्या है वो ऑलमोस्ट डबल डबल ही तो हो गया सेवनटीन हाँ भूल गया मैथ्स तो सेवनटीन एक छोटा सा क्यूट सा नौजवान डी जी से ना कुछ पैसे ले लिए दस लाख रुपया दीजिए हम हाँ, आपका औरंगाबाद में जो एक फार्म लैंड है उस पर एक बंगलो बना देगा कितना ले लिया दस लाख और है ये मूर्खानंदन दे भी दिए एग्रीमेंट करके दिए ऐसे होशियार हैं होशियार होशियार हो नहीं है ये क्या होशियार और करके दिया बोलता है लिखे चाहिए हमको पूरा अग्रीमेंट लिखे बोलता है लिख कर वे को तो लिख कर अग्रीमेंट किया है और उसके बाद फोन उठाना बंद कर दिया ये ये किसी तरह एड्रेस ले लिए कोचिंग सेंटर से इसका कि कौन था वो स्टूडेंट पता तो करें और उसके घर पहुंच गए चिल्ला चिल्ली मचा दी वहां पर कि बेवकूफ समझे हो उतने बेवकूफ भी नहीं मानते हम बेवकूफ है पर उतने बेवकूफ भी नहीं है केस तो बनेगा है, क्योंकि तुम पैसा लियो लिखित हुआ है ये पता है बात बोलता है अंकिल अगर माइनर के संग अग्रीमेंट होता है ना इट इज वॉइड एग्रीमेंट यानी कि कोर्ट उसको कभी भी नहीं सुनता है अग्रीमेंट विद माइनर इज अ वग्रीमेंट और ऊपर से एक वर्ड और यूज करेंगे वॉइड एब इनिशियो मतलब Invalid from the beginning. It is invalid from the beginning. Void ab initio and it is invalid from the beginning. minor ke agreement It is void ab initio. Okay. Marwadi sound effect. कि बोल दियो माइनर के संग अग्रीमेंट जब हो सी तो बिना कहीं बोल सी वॉय एब इनिशियो समझ में आयो दैट इज इट्स इन वैलिड फ्रॉम द बिगनिंग सर कोई तरीका है क्या इसको वैलिडेट करने का नहीं जो शुरू से खारिज हो जाता है उसे आप पुनः बाद में उसे वापस जीवित नहीं कर सकते अब उल्टा तुम सुबह पढ़ता था अग्रीमेंट विद माइनर इज अड अग्रीमेंट मतलब इट्स इनवैलिड अग्रीमेंट ठीक है दो मिनट रुको एग्जाम्पल uh, एक और लेते हैं सपोज क्या नाम था आपका अनुराग अनुराग क्या किया जीवियस में हो ना देखे थे हम इसको हम बताएंगे सबके सामने बताएंगे जीवियस के बैक गेट में मैंने इसको हीरोइन को किन गांजा का डील करते हुए देखा है ये चूरण के पाउडर में वो सब पाउडर पैकेट बना के हीरोइन किन गांजा का सौ सौ ग्राम का पैकेट बेचता है सबको बताएंगे जेवेज में पढ़ा तो क्या हुआ काम ये सब करता है नौ चालीस पे कॉलेज खत्म होता है और पीछे हम खुद देखे हैं। तो आपको आप क्यों गए थे हम पुराने जेवेज में हम भी पढ़े हुए हम भी चले गए एक बार फादर से मिलने तो अचानक हमको भी थोड़ा यंग टाइप का देख कर बोलता है ए, लेगा गया लेगा गया देख देख, देख 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 बहुत अच्छा माल है खरा माल है देख 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 के हमको ऑफर दे रहा है हम भी रेट पता लगा पता तो अभी क्या रेट होता है हम तो लेना था नहीं पर फिर एक और एक लड़का सरदार जी अपने ये इससे खाए हैं चूरण मतलब धोखा लगा है सौदा कर लिया सरदार जी बोला था हमको दो पैकेट दे दो, दो चूरण दे दो हमको भोली पंजाबन को डिलीवरी देना है मेरे को दो पैकेट दे दो चूरन सुना ना भोली पंजाबन वो फूकरे पिक्चर में थी ना एक देखा होगा तुम नहीं देखा है देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो भोली पंजाबन को ये मतलब ये डील करता है इससे भी मंगवाई जाती है एक, एक गैंगस्टर लेडी है वो इसे मंगवाती है तो ये कितना का चूरण के खरीद दो के जी का चूरन का डील हुआ है और पैसा लेकर डील हुआ है लिखित तो और किया है सरदार जी बोलता है आप बुराना मानो तो हाँ कर कर तो चूरण के पैकेट का दस नॉट मामूली चूरन समझ नहीं है मामूली चूरन नहीं है ये ये वो वाला चूरण है डिलीवरी दे नहीं रहे पैसा गया सरदार जी पगला आ गए एग्जाम्पल में क्लीज फाइल करेगा केस फाइल करेंगे सरदार जी क्या बोलेंगे कोर्ट में तेरे तो देखिए अम्मी जान कहती है कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता चूरन का डील हुआ था तो डील जब हुआ हम पैसा दिए वो पैसा हमको नहीं दे रहा है केस तो बनेगा ना जज जज साहब साहब का मुंह पहले खुला रह गया हिम्मत देखो लुक एट द हाउ कुड ब्रिंग केस ऑफ नार्कोटिक्स टू द कोर्ट कोर्ट में कैसे ले आए नार्कोटिक्स का केस पर नहीं उपाय नहीं है बुद्धि पर ताला लग गया ये ऊपर से इलीगल अग्रीमेंट भी है वॉय तो है ही पिछली बार क्या था इनवैलिड था पर इलीगल में एक और एक खूबी होती है वॉयड तो होता ही एग्जाम्पल में इलीगल क्या होता है वॉय प्लस पनिशेबल बाय लॉ इस तो क्राइम भी है ना आपको पता था या नहीं पता था ए अनुराग छोड़ दे अभी भी टाइम है अभी भी छोड़ दे सब ये बोल रहा है तुमको ये सब चूडेंट का धंधा छोड़ दे ये पनिशेबल बाय लॉ है जेल हो जाएगा और कितने साल का जेल होगा पूछो भी मत बाहर जब आएगा दाढ़ी उग जाएगा तुम्हारा अभी थोड़ा सा उग रहा है बाद में पूरा एकदम बड़ा बड़ा दाढ़ी के संग भारा हो गया सो इट्स पनिशेबल बाय लॉ इट्स अ क्राइम इलीगल लीगल अग्रीमेंट में दो फीचर्स हैं इलीगल इलीगल लीगल अग्रीमेंट वॉयड भी है एंड संघ में एक और फीचर भी है पनिशेबल बाय लॉ अच्छा अब एक बच्चे के संग अग्रीमेंट कर रहा है तो उसको पनिशेबल बाय लॉ थोड़ी कर दोगे ए बच्चे के संग के चल जेल चल अरे बच्चा वाला अग्रीमेंट सिर्फ वॉयड था पर इलीगल लीगल अग्रीमेंट में दोनों खासियत है वॉयड भी है और क्राइम भी है पनिशेबल बाय लॉ भी है एक बात बताओ ना क्या मैं ये बोल सकता हूं

सजा भी होगा क्राइम है बच्चे वाला अग्रीमेंट सिर्फ वॉइड है क्राइम नहीं है उसी तरह देखो अग्रीमेंट कंसीडरेशन इज अ वॉइड अग्रीमेंट और एक एग्जाम्पल है एक कंसीडरेशन का रफ मीनिंग मैंने दिया था अलग चैप्टर है डेढ़ घंटे का एक रफ मीनिंग मैंने कंसीडरेशन आपको दिया था डिड यू रिमेंबर दैट रफ मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन किसी को याद है अरे समथिंग इन रिटर्न सपोज क्या नाम था किसको पकड़े अनुराग हो गया ये साजिद हो गया क्या चीज ओ अनुरान, ओके सॉरी अनुरान, ओके अब मैं किस पर लू एग्जाम्पल पीछे बहुत सारे भैया लोग और बैठे हैं सेकंड लास्ट रो एक भैया जो ऐसे बैठे हैं क्या नाम है क्या नाम है रवि खड़े रहो दो, दो मिनट रवि का के के केस सुनो रवि प्रॉमिस कर दिया सपोज सरदार जी को अच्छा लगता है तुम्हारा ये तुम सोसाइटी के लिए इतना कुछ करते हो हम तुमको देंगे चालीस लाख रुपया सरदार जी तो हाथ था लिखित लिख कर दीजिए पहले लिख दिया हेंड राइटिंग भी अच्छा था सरदार जी और होशियार थोड़ा हस्ताक्षर हस्ताक्षर भी कर दिया ये ये ऐसे ही दिया ना हम देंगे तुमको कुछ चैरिटी अनाउंस कर दिया कई लोग करते हैं ना सोसाइटी में चैरिटी अब सरदार जी बैठो पीछा कर रहा है उसका हर दिन चालीस लाख दो चालीस लाख का चेक कब दोगे कब दोगे बोलता है उस दिन जोश में आके दे दिए थे रवि बोलता है अब होश में आ गए हैं कुछ नहीं होगा अब सरदार जी तो और होशियार है केस कर देंगे हम तुमको बोल रहे हैं। हम छोड़ेंगे नहीं तुमको केस करेंगे हम पंजाब से तुमको अमृतसर टाँदते ले जाएंगे अमृतसर के कोर्ट में ले जाएंगे तुमको हम केस कर देंगे बताओ दी लोग केस हो पाएगा सोच के बोलेगा इस बार चैरिटी के लिए अनाउंस किया था समाज कल्याण के लिए अनाउंस किया था आज आपको बोलना होगा देश के लिए नहीं दोनों बोली एक साथ नहीं क्योंकि आंसर भी नहीं है क्योंकि कोई कंसिडरेशन क्या है बदली में सरदार जी क्या किया है वो कुछ किया भी नहीं था सरदार जी इस खर्चे के अनाउंसमेंट पर क्योंकि एक दिन में आपको एक और एक केस कराऊंगा जहां कुछ अलग हो जाता है हालात पर यहां पर चैरिटी सिर्फ अनाउंस कर देना होता है ना स्कूल का फंक्शन फंक्शन होता है हो है है शॉल उड़ाया जाता सर्दी में हो रहा है। आप जी ने इस ट्रस्ट को गिरोक्यावन लाख दिया है ताली शॉल और उसके बाद सेठ गिरोडीमल कुछ कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं रहे कोई केस नहीं हो पाएगा डिड यू अंडरस्टैंड एवरी क्योंकि अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज अ ज इट इन लीगल अग्रीमेंट नो यानी सिर्फ इलीगल अग्रीमेंट इज इट अ पनिशेबल अग्रीमेंट मारने लग जाए क्या उस ग्रवि को देखते हैं मार हंटर से ख मार खा झूठ बोलता रहे तो एवरी वर्ड अग्रीमेंट इज नॉट पनिशेबल इट्स ओनली इन वैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग इज इट ओके किसको हां बोलो ना बच्चे को तो ऐसे भी इंडिया में जानते हो ना प्रोटेक्शन बहुत टाइप के लॉस का सुनते हो ना प्राय समय तुम न्यूज़ पेपर्स में नहीं होगा कुछ नहीं होगा बच्चे का उसके लिए अलग से आजकल एक तो सेंटर बना रिहेबिलिटेशन सेंटर सपोज तुम्ही की हो कुछ गंदा काम तुम को वहाँ भेजा जाएगा तो ट्रीटमेंट होगा सब ठीक हो जाएगा <laughs> आइए किसको बुलाऊं अब किसको बुलाऊं कल कौन एबसेंट था हु वॉज एबसेंट येस्टे अमंग्स बॉयज और भी और लड़के लोग भी तो नए आए उसको भेजो आओ भेजवाओ कल वाले लोग कुछ पहले से लीक मत करना एग्जाम्पल को ये आज नया है ना आओ पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया भाई क्यों पहले पता कि हम लोग ठीक पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं आइए अच्छा मजाक कर रहा हूं कम 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 तुम तो कल एग्जाम्पल ये वाला देख चुके हो समझ गए ना चुप 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 लेट हिम रिसीव द शॉक ऑफ हिज लाइफ आओ अरे गुस्सा तो नहीं होता है अच्छा जो लोग थे सुन लो हम लोग हंसी मजाक करके पढ़ते हैं इसमें कोई भावुक होने का बात नहीं है हम पर एग्जाम्पल नहीं है आज जब सर जा रहे होंगे ना अकेले में गाड़ी का शीशा फोड़ देंगे डोंट प्लीज कम आउट ऑफ दैट मेंटेलिटी आओ क्या नाम था अजय कुमार अजय कुमार अजय है ये और ये करोड़ों का पति है सॉरी करोड़पति है करोड़पति मतलब पैसा वाला पार्टी है बहुत प्रॉपर्टियां हैं इसके इसके जगह जगह आईटीसी टी सी सुनार बांग्ला कैलकटा में देखा हो ना ईस्टर्न बाईपास में उसके सामने जितनी प्लॉट है सब इनकी है और आ, कोई है जो मुकैम्बो गुंडा है कोई डॉन है मुकैम्बो इसको कई बार फोन कर चुका है अपना साउथ ईस्टर्न प्लॉट मेरे को दे दो दस करोड़ का है और तुमसे चार करोड़ में बोलता सौदा करने के लिए करना चाहते हो yes, दस करोड़ का सौदा चार करोड़ में कर लोगे सर है अब बार मत दस करोड़ का सौदा चार करोड़ में कर लोगे नो no, सर ओके ये अपनी जीएफ के सामने भी बात किया दोनों हावड़ा ब्रिज के पास बैठे थे गंगा नदी के पास ऐसे पत्थर गिरा रहे थे कि वो बोल रहे हैं दस करोड़ का सौदा चार करोड़ में कर लें मैं हम सोचते हैं कर लें उससे ही झाड़ खाए चूड़ियां पहन लीजिए आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे बच्चों का तो सोचिए ये करोड़ का लॉस है मेरे बच्चों का लॉस है तो हाँ वही तो एग्जाम्पल वो आगे का फ्यूचर प्लानिंग कर रही थी ना वो फ्यूचर प्लानिंग कर रही थी कि सोचिए कल को बच्चे होंगे छह करोड़ का लॉस हो जाएगा उसी से डर के अब डॉन फिर फोन किया हम डॉन है क्या सोचे हो दस करोड़ का प्लॉट दे रहे हो ना चार करोड़ में नो सर दे रहे हो तुम दे रहे नहीं इतना जल्दी आसानी से हाँ भर रहे है तुम ये नहीं भर रहे है। बोलो जाएंगे मर जाएंगे पर नहीं देंगे ओके अब तुम चलो तुम दे इधर मुड़ो ना तुम ये एक दिन तुम पीछे नहीं मुड़ोगे पीछे मुड़े तो सी फाउंडेशन में फेल हो जाओगे तुम ऐसे रहोगे ये एक दिन घर जा रहा था ओके और ये एक दिन घर जा रहा था और मैं ही वो डॉन हूँ और आ... अपना आराम से धीते दी गाना गाते जा रहा है बाबू जी धीरे चलना में जरा संभलना मुझे छोड़ दीजिए नहीं छोड़ेंगे पर पहले उठाओ अपनी कलाइयों में पेन पकड़ और साइन कर वो प्रॉपर्टी हमारे नाम पर चाहिए ये पेपर इधर नीचे कर हाँ, उस पेपर पर पे कर उस पेपर पर <laughs> कर ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो हुआ है ना इसके संग ये क्या हुआ है

मिले गंगा नदी के पास इन लोग का एक इलाका था अपना जहाँ पे सनाटा रहता है दोनों पत्थर गिरा रहे हैं पत्थर भी नहीं गिरा रहे पत्थर लेके सोचने लगा रहे उसको बोली भी क्या पत्थर गिरा ना अच्छा लगता है ऐसे पानी का बुलबुला होता ना बोले अब पत्थर ही गिराना पड़ेगा जिंदगी भर बोलो तो क्या हुआ वो दस करोड़ का प्रॉपर्टी चार करोड़ में ले गए अब बताओ वो बल्कि होशियार थी हाथ तो आज झाड़ दी इसको अरे आप जैसे इंसान से तो शादी करने का जो इरादा है मन में वो ही छोड़ देते अरे चूड़िया पहन लीजिए आप आप इतने घटिया निकले हाय डॉन से हार गए हमको लेके चलिए हम वापस ले आएंगे वो इसको रही। आप जाइए कोर्ट में चैलेंज करिए इस चीज को कोर्ट में जाके क्या करिए चैलेंज करिए कैंसिल करवाइए कॉन्ट्रैक्ट को कैन यू टू ना अब तुम कर सकते हो साइन करने के बाद नो सर फिर झाड़ खाया जी से वो ये बोला अब तो क्या होगा अब तो समझ लीजिए कि खाया है खाया है ये एकदम और खा के तुम जैसा बोलोगे वैसे ही होगा बताओ कौन सा वकील के पास जाए तो बोलेगी चलिए अमित बच्चावत एक एडवोकेट है उनके पास चलिए ओके और मेरे पास आई वो और बोली सर देखें आप हम तो सीए पढ़े हुए हैं ये थोड़ा अनपढ़ टाइप के हैं इनको पता ही नहीं बेसिक्स ये तो वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट का केस है अगर ये साइन कर भी दिए हैं तो इसको क्या किया जा सकता है कैंसल चैलेंज किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट वॉज कॉज ये पार्किंग स्पेस में जब धीरे-धीरे चल रहा था, वापस थोड़ा सा ये पार्किंग स्पेस में पैंटेलूस के पार्किंग स्पेस में चल रहा था और वहां पे हम गुंडा सपोज है हम ये सब काम किया उसके संग जगह आजकल सीसीटीवी कैमराज होता है पैंटलून के हम बोले जाके कि हमको सीसीटीवी फुटेज चाहिए और वहाँ पे क्या जबरदस्त वीडियो आया है मतलब पूरा आ गया पूरा वीडियो आ गया और ये और इसकी वो जीएफ है दोनों वीडियो देख के डांडिया कर रहे हैं वाओ केस तो अब बहुत क्या हो गया सॉलिड बन गया है केस अंडरस्टूड दोनों रिवाइंड करके ज़ूम कर कर देख रहे हैं ऐसे आए, ऐसे करते जा रहे दे वेरी हैप्पी बिकॉज़ ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है हर आदमी साइन करने बोलेगा फिजिकल हुआ था इस कारण से हम थैंक यू ऐसे बोलने से तो नहीं चलेगा ना अगेंस्ट में केस फाइल होता है, वो उसको बोलते हैं डिफेंडेंट तो बॉयज एंड गर्ल्स बैठो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन लुक एट दिस न्यू डेफिनेशन आपको प्रैक्टिस करना होगा वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन को देखिए सभी कोई इंग्लिश लर्न लिखो एल कैटेगरी एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज इंफोर्सिबल बाय लॉ बट एट ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज इसका मतलब क्या है अगर जिसके दिस बेइंसाफी वो चाहे तो इसको क्वेश्चन कर सकता है बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर ऐसे करना ब्रैकेट और ऐसे लाइंस को और लिखो लर्न एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसके संग गलत हुआ है एग्रीव्ड मतलब दुखी पार्टी can take an action and can and can avoid the contract cancel the contract a grieved party can take an action and it can avoid the contract a grieved party can take an action and can avoid the contract अवॉइड कहीं और एक मतलब होता है resigned तो ये एग्जांपल्स आपने आज जो मेरे मुंह से सुना था हिंदी में लिखना चक्कू वाला एग्जांपल चक्कू चक्कू। coercion एक वर्ड आया होगा अच्छा कुछ और वर्ड्स भी हैं आप आने वाले क्लासेस में मेरे से पढ़ोगे undue influence fraud <coughs> misrepresentation कैन यू गेट दीज वर्ड्स एट्सेट्रा तो क्वर्जन में क्या लिखा फिजिकल फोर्स चक्कू वाला एग्जाम्पल और कुछ भी हो सकता है किडनेप कर लिया या दस तला से लटका दिया आपके बच्चे को और बोल रहे साइन करिए वरना बच्चा को गिरा देंगे एनी टाइप ऑफ फिजिकल कोवर्जन यूज चाहे तुम पर करे या तुम्हारे को दूसरे सामान पर करे जिससे तुम इन्फ्लुएंस हो जाओ तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आपको बेटर समझ में आएगा वो गुंडा कौन था पता है एंड जो भी स्टेज पर आए थे कौन था स्टेज पे कौन आए थे अभी ये रहे, आप देखिए देखिए कितना फोटोजेनिक फेस है आपका गुंडा बोल दिया साइड करो वरना मार डालेगा ये देखिए और जूम करने से आपका चेहरा और अलग हो जाता है <laughs> ये माइनर कि माइनर खुद बोल दिया कुछ नहीं कर पाओगे अंकल मेरे खिलाफ कुछ अब लेआउट आई वांट द लेआउट ये बच्ची भी होशियार है माइनर ऐसी गंदी बच्ची है छकती लोगों को वेट आई हैव समथिंग फॉर यू हम किस पर लूं एग्जांपल हु कैन डांस वेल इन द क्लास अमंग्स बॉयज कौन डांस कर सकता है हम आता है आओ ना म्यूजिक चला देते हैं ओके Mm. उसको भेजो लास्ट भाई कल भी आया था क्या नाम था ऋषभ आओ अच्छा कोई गुस्सा तो नहीं हो रहा है प्लीज मैसेज मी दैट आई डोंट लाइक माई सेल्फ टू बी कॉल्ड ऑन द स्टेज अगर किसी को पसंद नहीं हो प्लीज हां मैसेज कर दीजिएगा और लेंगे एग्जांपल्स फिर <laughs> और ऋषभ लेआउट ओके okay. डांस आता है तुमको लग रहा है देखकर नहीं श्योर ओके सपोज अच्छा नहीं आता कोई बात नहीं इधर आओ तुम इधर खड़ा तुम्हारा नाम एग्जाम्पल में है क्या नाम रखे बिल्लो रानी अच्छा बिल्लो रानी नहीं कुछ नहीं बिल्लो रानी नाम है ओके ये बिल्लो रानी और बिल्लो राजा बिल्लो राजा ओके ओके ये डांस करते हैं और दीदी लोग इनका शो देखने आते हैं सपोज लड़के लोग इनका शो देखने आ रहे हैं ये बिल्लो राजा है ओके अलग टाइप का शो है ये बिल्लो राजा है शो के टिकट्स बिक चुके हैं और जब इनके ठुमके लगते हैं जब इनके स्टेप्स होते हैं ऋतिक रोशन जो वॉर मूवी में किया था कई साल पहले उससे भी अच्छा स्टेप्स होता ही है ये एकदम रबड़ लगते हैं ये है। ऐसे गुलाटी खा के वापस बेंच के नीचे से निकल जाते हैं अपने चेयर पे बैठ जाते जस्ट इमेजिन शो के टिकट बिक चुके थे आपके नेताजी इंडोर स्टेडियम कालकटा में एक बहुत बड़ा स्टेडियम है सो वहां इनका परफॉर्मेंस अंदर हो कट जा रहा है वहां इनका परफॉर्मेंस होने वाला है टिकट बिक चुके हैं विद बिल्लो राजा ही नट परफॉर्मिंग इसके दोनों घुटने टूटकर हाथ में आ गए हंस रही हैं कौन है ये निर्दयी तो इसके दोनों घुटने टूट के हाथ में आ गए नी ज्वाइंट टोटली नाउ ही कांट परफॉर्म शो के टिकट्स तो बिक चुके हैं आप परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा केस बनेगा क्या आपके खिलाफ नहीं सर तुम लोग सपोज शो का टिकट्स लियो चलाओ इस पर हमारे पैसे वापस दो चलाओ रेडी स्टेडी गो से तुम इतना प्यार से बोल दे दो ना हमारे पैसे ऐसे नहीं तो आतंक के अनुसार रेडी गो जोर से पैसे, गाँग पैसे, गाँग पैसे, गाँग पैसे, गाँग पैसे।, पैसे मांग रहे हैं सर मैं इनका पीए हूं असिस्टेंट हूं सर बाहर पैसे मांग रहे हैं वो लोग केस ठोक रहे हैं आपके खिलाफ केस कर देंगे नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते

तो क्वालिटी खत्म हो गया अभी कैसे परफॉर्म करेगा uh, well सपोज एनी तुम सिंह को गाना था ना अच्छा चलते हैं दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का जुबा पर स्वाद रखना सुना है गाना सपोज अरिजीत सिंह है एक लाइन तो गाना तो गाई थे नहीं। प्लीज नहीं। अरे क्या वीडियो बन रहा है पूरा इंडिया देखेगा इसको यूट्यूब चैनल पर

पर शो के टिकट्स बिक चुके हैं मेरा गला खराब हो गया है अब लोग क्या केस कर सकते हैं लॉ बोलता है ये सारे एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूं इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं लुक एट सर थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था प्लीज उठो वर्ड एग्रीमेंट क्या वर्ड पढ़ाया था और अब क्या पढ़ा रहा हूं ये अगर सीख गए तो आप सीख गए सब कुछ दो भयानक शब्द हैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था वॉर्ड एग्रीमेंट वो तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं शुरू से इनवैलिड था पर void contract नाम से पता चल गया हिंदी में एक्टिंग करके पढ़ना जो पहले वैलिड था पर बाद में कुछ ऐसा हो गया कि अब वो वैलिड नहीं रहा तो इंग्लिश देखो खूबसूरती का हर हद पार हो गया विथ सीजेस टू बी बहुत गजब वर्ड है

पहले क्या था वैलिड था पर अब क्या नहीं रहा इनफोर्सिएबल नहीं रहा सो इंग्लिश देखो कॉन्ट्रैक्ट विथ सीजेस टू बी इनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल एग्जांपल लिखो बैठ जाओ सिंगर लॉस्ट हिज वॉइस डांसर नी ज्वाइंट नी ज्वाइंट टोटली डैमेज कैसे डांस करेगा सांप की तरह लेट लेट के <laughs> नागिन डांस सिर्फ करेगा लेट लेटे और डांसर नी ज्वाइंस टोटली डैमेज सीवियर इंजुरी टू द नी ज्वाइंट सिंगर लॉस्ट इज वॉइस आर्टिस्ट के दोनों हाथ कट गए एक पेंटर था दोनों हाथ ही कट गया पेंटिंग कैसे करें बताता हूं पहले तो ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का केस है क्यों क्योंकि वो पहले क्योंकि सिंगर डांसर को एक लीगल अग्रीमेंट थोड़ी ऐसे डांस कर दियागल काम है नहीं 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 नॉर्मल डांस शो है तो सिंगर लॉस्ट इज वॉइस नी ज्वाइंस टोटली डैमेज तो ये लैंग्वेज को पूरा याद एल वाला कैटेगरी का है ये सीजेस टू बी क्योंकि एमसीक्यू आता है बीकॉम में और सी एस में कॉन्ट्रैक्ट विथ सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल इज नोन एज वर्ड अग्रमेंट वर्डबल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कॉन्ट्रैक्ट अनपढ़ बच्चे वर्ड अग्रीमेंट टिक करके आ जाते हैं पर जो समझदार बच्चे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट बन गया था वो जो बाद में अब इन्फोर्सिबल नहीं रहा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का केस है वॉइड अग्रीमेंट के केसेस होते हैं जो शुरू से इनवैलिड होते हैं ये शुरू से इनवैलिड ये दोनों एग्जांपल लिखा एक तीसरा अच्छा एग्जांपल और देखो सपोज एग्जांपल है सपोज uh, इंडिया और अफगानिस्तान कंट्रीज है ना तो एक इंडियन कंपनी और एक अफगानी कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ बट बाद में आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वॉर आउट तो ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा क्योंकि जब जंग चल रहा होता है तो उस कंट्री के कंपनी के संग आप डील नहीं कर सकते आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वॉर ब्रोक पहले वॉर चल रहा होता तो आप कर ही नहीं सकते तब वो एग्रीमेंट हो जाता ट्राई टू अंडरस्टैंड जंग चल रहा है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में और उस समय एक इंडियन कंपनी अफगानी के संग कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वॉर्ड एग्रीमेंट हो जाता है वो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में बट पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया बाद में वॉर ब्रेकआउट हुआ जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब तो वैलिड था पर तो बाद में इट सीजेस टू बी शुरू का तीन क्लास अगर ढंग से पढ़ लिया ना ईमानदारी से बोल रहे एकदम फाटाफाटी लॉ सीख जाओगे बहुत इंपॉर्टेंट है इट सीज टू बी इनफोर्सिएबल हिंदी में लिखा है पूरा कॉपी करो आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वॉर ब्रेक ब्रोकआउट तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वॉर ब्रोकआउट ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वॉर ब्रोकआउट ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और एक लाइन यही और लिखो अलग इंग से इफ ड्यूरिंग द वॉर कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इफ ड्यूरिंग द वॉर इफ ड्यूरिंग द वॉर लिख रहे हो इफ ड्यूरिंग द वॉर ड्यूरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड It is a void in change agreement. If during the war, MCQ if during the war benefit, contract is entered. If during the war contract is entered, it is a void agreement. During the war, if contract is entered, it is a void agreement. Remember this. Is it okay, everyone? So Try to understand void contract अपने को हिंदी में समझा पा रहे हो हिंदी उर्दू पंजाबी जो भाषा आता है देख पहले वैलिड था पर देख कुछ ऐसे अव, आ, हालात हो गए कि अब इसको परफॉर्म करना असंभव हो गया है तो इसको वर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं अरिजीत सिंह जो एडवांस में पैसा ले लिया उसका क्या होगा वैसे तो आपको मैं दस क्लास बाद पढ़ा था पर आपने प्रश्न पूछ लिया है तो जवाब भी ले लीजिए उस एडवांस को रिटर्न करना पड़ता है बट और कोई आपको कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा विचारिक संग ऐसा हो गया पर एडवांस को रिफंड करना पड़ेगा डांसर भी जो एडवांस उठा ली है उसको रिफंड करना पड़ेगा कंपनसेशन और अलग से मुआवजा नहीं देगा बट एडवांस अमाउंट हैज टू बी रिटर्न बैक कॉन्सेप्ट आ रहा है आपको तो वॉयड कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज है वॉयडेबल वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज है है में ये सारे वर्ड्स ना अलग चैप्टर्स में होते हैं तो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस टूडे सारे शब्द दिख रहे हैं आपको अंड्यू इन्फ्लुएंस

सी एस में एम क्यू आएगा तो कोई टेंशन नहीं मैं तो वो खिला ही रहा हूँ आपको संग, -संग में थ्री थ्री मार्क्स लिखो इनमें से एम क्यूज आ सकते हैं इन डिफरेंस में से भी थ्री थ्री मार्क्स इच अगले पेज में भी थ्री मार्क्स है लिखो डू आफ्टर सेवन एट क्लासेस जब दूसरे चैप्टर्स में इनके लिंक्स क्लियर हो जाएंगे नहीं मिला इधर देखो ना रिंक क्लियरली आ रहे देखो मिला थ्री एम डू आफ्टर हाउ मेनी क्लासेस सिक्स सेवन क्लासेस के बाद डू आफ्टर सिक्स सेवन क्लासेस छः सात क्लास की बात करिएगा क्या क्या शब्द है वॉर्ड एंड इलीगल अग्रीमेंट्स इधर पे देखो एंड एंडल कॉन्ट्रैक्ट अच्छा एक चीज बता दू आपको थोड़ा सा वॉर्ड एंड इलीगल अग्रीमेंट्स में मैंने बोला था पनिशमेंट किस में नहीं होता है वॉय में हमेशा पनिशमेंट है नहीं कौन सा वॉर्ड है अभिनिशो ये तो दोनों ही है अच्छा ये चीज एक बताओ मेरे को किसी को पूछूंगा रैपिड फायर राउंड आप आइए वाले भैया अच्छा जो जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए थे बॉयज साजिद इज़ इज़ शाहिद शाहिद व्हाट्सएप ग्रुप फॉर बॉयज जो जो नया नंबर्स चाहिए और यहाँ पे एक दीदी बैठी है आइए कैसा ठीक है कहाँ रहता है ओके okay, जल्दी बताओ बता रहे क्वेश्चन बता रहे

क्या होगा? पर एक्सेप्शनल केस है नया चीज है तुम्हारा ये तो मूच तुम को तो तुम उखाड़ उखाड़ कर अपना पैसा वसूल लेगा माइनर कैन बी अच्छे को प्रोमिस मत करना चश्मा फोड़ देगा यहाँ चढ़ के अंडरस्टूड अभी तक तुमको मैं एक नॉर्मल प्लेन एग्जाम्पल्स में सिखाया था जहां पर डीके जी को माइनर ठग लिया था पर अगर डी जी माइनर को ठगेंगे ना वैसे तो तुम रट के बड़ा हो गया था अग्रीमेंट विद माइनर इज कॉन्ट्रैक्ट तो बोलना ही जबान खींच लेंगे बट ये याद रखना कि माइनर एक बेनिफिशियरी है so मतलब जिसको बेनिफिट की प्राप्ति होगी वो अपने उस अधिकार को वसूल सकता है रिमेंबर दैट माइनर को अगर कोई प्रॉमिस किया गया ये अलग चैप्टर है डोंट वरी आने वाले दिनों में पर याद रखना हमेशा से वो एमसीक्यू में सब रॉन्ग करके आते हैं बीकॉम में भी और उसमें भी क्या नाम है सी एस में भी माइनर hey, में, ना, classy में हुआ Minors agreement is? से है है बोलो मजा आता केस अगर वहां माइनर को कोई प्रॉमिस प्रदान करने की बात की गई है तो बच्चा वसूलेगा और वो आप पर केस कर सकता है अंडर एस्टिमेट मत करना पावर ऑफ कॉमन माइनर बैठो सो ये क्लियर हुआ ठीक है बताइए दीदी माइनर है आप बैठ एग्जाम बैठिए माइनर एग्जीक्यूटेड अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ डीके अंकल इज इट वैलिड एक बच्ची ने डीके अंकल के फेवर में अपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सुना होगा ना प्रोमिसरी नोट लिखा है आपने उनके फेवर में इज इट वैलिड नो तो माइनर अगर प्रॉमिस कर दे तो भी उससे मुकर सकता है बट उल्टा डीके अंकल एंड शंकु दादा शंकु शंकु भैया को देखें क्या जो कभी कभी हंसते हैं देखिए ऐसे स्टोन मैन रॉबर्ट की तरह जादू लगते हैं छोटे से तो शंकुदा एंड डीके ने मिलकर बच्चे के फेवर में प्रॉमिस वी नोट एग्जीक्यूट किया है अब ये बच्चा वसूल लेगा क्योंकि जहां बच्चे की लाभ की बात है ना वो केस फाइल कर सकता है जब बच्चे के खिलाफ तुम कुछ प्रोमिस नोट का केस फाइल करने जाओगे तो थोड़ा ब्रॉडन हो रहा है तो एक काम करो जहां तुम लोग माइनर के बारे में लिखा था ना वहां हिंदी बंगाली उर्दू सिंधी पंजाबी जो भाषा आता है लिख लो अगर बच्चे को कोई प्रॉमिस किया गया है तो बच्चा वसूल सकता है बच्चा प्रॉमिस करता है तो उसको आप वसूल नहीं सकते डिक्टेशन मत मांगो अपने आप लिखो बच्चे को बच्चा का स्पेलिंग मत पूछना तुम खुद बच्चा है बच्चे को अगर कोई प्रॉमिस किया गया है तो बच्चा वसूल सकता है बड़ी बच्चे को अगर किया जाता है तो बच्चा वसूल सकता है मैं एकदम रॉ हिंदी लिखवा रहा हूं पढ़ के अच्छा लगेगा बाद में बच्चे को अगर प्रॉमिस किया जाता है तो बच्चा वसूल सकता है स्टार्ट राइटिंग बच्चे को अगर प्रॉमिस किया जाता है तो बच्चा वसूल सकता है लिखो बच्चे को अगर कोई प्रॉमिस किया जाता है तो बच्चा वसूल सकता है बच्चा अगर प्रॉमिस करता है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा ये क्लियर है ना बच्चा का जहां फायदा बच्चा जीत जाएगा चाहे वो माइनर तो अगर करता है, तो वो केस नहीं बनेगा पर बच्चे को प्रॉमिस करता है तो बच्चा केस फाइल करवाना चाहे तो हो सकता है वेरी इंटरेस्टिंग किसी को तो फंसाऊंगा मैं ग्राउंड पर निकल रहा हूँ रैपिड फायर के लिए हेलो बताओ क्वेश्चन बुला दिया हाँ अग्रीमेंट विद माइनर इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट विद माइनर इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नन ऑफ दॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नन ऑफ दी राइट right. None of the above void एक लड़का रात को पढ़ा था दिन में पढ़ा करो तुम लोग हाँ, रात को पढ़ा माइनर वाला तो void होता है void होता है void होता है void agreement था पर void contract नहीं था पर ये जो वॉर वाला केस है हम क्यों बोलें किसी को फंसाएं ए बोलो कैसे हो ठीक हो तबीयत जल्दी बताओ जंग चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉपर वॉर चल रहा है तुम एक पाकिस्तानी कंपनी के संग ड्यूरिंग द वॉर कॉन्ट्रैक्ट कर लियो तो अभी बताओ ऑप्शन सुनो सिर्फ ऑप्शन सुनो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नन ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव रीजन दीजिए सर बिकॉज उनका बीच में कोई बिकॉज देयर वाज अ वॉर बिटवीन वॉर चल रही है और एक इंडियन कंपनी ने पाकिस्तानी तो ड्यूरिंग तो 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 मतलब तो एमसीक्यू में टिक करना आपको एमसीक्यू भी करवा दे रहा है और इससे अच्छा होता है सीए फाउंडेशन और सभी सीए में एंटर के लिए भी अगर वॉर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वॉर ब्रेकआउट होता तब होता वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट का केस समझ में आ रहा है ये गंदा कोई के चक्कर में मत आना कई लोग बिल्डिंग में चले जाते हैं भैया आप चार बजे आपके आ जाए आप लोग पढ़ा के फेल कर देंगे मेरे को <laughs> वो भैया लोग इस टाइप का पढ़ाते हैं वॉर का केस ना वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है शाबाश भैया थैंक यू भैया ऐसे मत समझो वॉर के दो केस हैं समझ में आ यार हम लोग से ट्यूशन क्यों लिए हो डोंट टेक इट अदरवाइज नॉर्मल जो लॉ ट्यूशन होते हैं उसमें ऐसे होता है वार वर्ड कॉन्ट्रैक्ट थैंक यू सर माइनर वर्ड एग्रीमेंट माइनर में भी दो अवस्था दिखा दिया ना मैंने आपको कि बच्चा अगर प्रॉमिस करे बच्चा वसूल सकता है ये जो नॉर्मल तुम पढ़ाई देखोगे यूट्यूब में वॉर वर्ड कॉन्ट्रैक्ट वॉर में समझना पड़ेगा ड्यूरिंग वॉर अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट किए हो तो वॉर अ केस ऑफ समझ में आ रहा है कॉलेज में ऐसे फंसाना किसी को ए, चल रही थी, और ड्यूरिंग द वॉर कॉन्ट्रैक्ट हो गया बता ना बोले क्या पूछता रहे वर्ड कॉन्ट्रेक्ट उसको हाथ हाथ बोला एक्सपेक्टेड था तेरे से कि तुम ऐसे ही पढ़ा मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब, मतलब ऐसे चिल्ला चिल्ली करके पढ़ाई नहीं होता है, वो पुराने गाज के नीचे पुराने जमाने में होता था यू हैव टू अंडरस्टैंड पक्का Sir, अच्छा लगा हम लोग अब क्लास बंद करेंगे सर ये बहुत अच्छा लगा ये तीनों शब्द हम लोगों ने सुना आज और इसकी इंग्लिश प्लीज याद करके आना ये देखो कॉन्ट्रैक्ट विद सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ मतलब कि पहले वैलिड था इधर देखो एन एग्रीमेंट वर्ड से शुरू हुआ है नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज इट ओके और एक चीज बता दू कॉन्ट्रैक्टिनेशन तुम्हारे पास बुक नहीं है पर देख लो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ एक्चुअली एक चीज बता के रखता हूं कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ कब होता है वेन ऑल जब बुक आ जाएगा कॉपी करवा दूंगा ऑल दी इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मैं पेनड्राइव वालों के लिए लिख दू एज मैंक्शन टेन एक बहुत फेमस सेक्शन है ये ये मौजूद होगी तो आपको अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का स्वरूप लेगा मैं दो मिनट चुप हो जाता हूं और एक बहुत फेमस कहावत है ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट

तो ये सारे इसेंशियल एलिमेंट्स जब मिल जाते हैं तब बोलते हैं वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है लिख लिया होगा आप लोगों ने दस सेकेंड और पेज फोर जब बुक आ जाएगा पेज फोर में मिल जाएगा आपको और इसी पेज फोर में यहाँ पे कंसिड्रेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राम सीता को अपना घर बेचना चाहता है राम के लिए ये पैसा कंसिडरेशन है सीता के लिए घर कंसिडरेशन है जैसे मैंने अपने कौन से एग्जाम्पल को बताया था आपको गाड़ी वाले एग्जाम्पल को फिर आपको जब पेज आ जाएगा प्रोमिसर एंड प्रोमिस का मतलब बच्चा भी बता देगा वन हु प्रोमिस इज प्रोमिस वन हु हुप्ट प्रपोजल इज कॉल्ड एंड एक और आप घर जाके पढ़ोगे वट डू मीन बाई प्रोमिस एंड वट डू यू मीन बाय

आई विल नॉट डू दिस आई विल नॉट सेल माई कार टू एनी वन एल्स अगर तुम परसों तक हाँ भर दो ये भी ऑफर एब इज नॉट एब इट इज एब जैसे घर में बोलते थे ना, अरे मदिरा पान से दूर रहो. पान से दूर रहो, डोंट डू दैट तो मैं ये गाड़ी किसी को नहीं बेचूंगा अगर तुम्हारी हाँ आ जाए तो ये ऑफर का ऑफिशियल डेफिनेशन है आई डों में तो चांस नहीं है पूछने का एंड वॉट डू मीन बाय प्रोमिस कि वेन द पर्सन टू होम ऑफर इज कि अगर हमने तुमको कुछ प्रपोजल दिया तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा वो प्रपोजल को हम क्या नाम से बोलेंगे प्रपोजल जो था एक्सेप्टेंस तुमने दे दिया ये तो क्या हो गया बाइंडिंग प्रोमिस हो गया इज इट ओके एवरी तो हमने ये सारे डेफिनेशन आज देखे हैं प्रपोजल का प्रॉमिस का वेरी सिंपल पेज थ्री हमारे पास था नहीं एंड अगेन गो टू दिसा भारत में जो कॉमर्शियल लॉन्डियन कॉन्ट्रैक्ट तो ट्रेड में काम आता है ना तो ये सोर्स इंडिया में मर्केंटाइल लॉ बनते कैसे है? हम लोग है ना इंग्लिश लॉ से बहुत प्रभावित है मैंने आपको बताया था ब्रिटिशर्स का ही है ये बेसिकली ऑलमोस्ट फिर इंडिया में भी कई लॉ होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं कोर्ट के डिसीशन होते हैं स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के डिसीशन पुराने इंग्लिश कोर्ट के डिसीशन वो भी हमारे सोर्स है और हमारे देश में ना प्रथा कस्टम्स कई चीजें हमारे देश में कस्टम्स से बन जाती है कई चीजों का कस्टमरी uh, प्रैक्टिस समझते हो ये तो धंधे में होता ही रहता है ऐसा तो ये भी हमारा सोर्स है तो इसको मैं फिर से उठाऊंगा अगली क्लास में विद वेन यू गेट द बुक एंड अदर पोर्स अभी तुम नहीं पढ़ोगे घर में पेन ड्राइव में अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको जो भी मैंने टच किया है नहीं किया वो आप नहीं पढ़ोगे प्लेटिव एंड डिफेंडेंट का मीनिंग

पढ़ाई से रिलेटेड क्वेरी हो तो व्हाट्सएप कर देना और ऑफिस के नंबर मैट के पीछे लिखे हुए हैं आप वहां पे भी कॉल कर सकते हैं और एक ऐप मैंने आपको डाउनलोड करने बोला था प्ले स्टोर से कितने लोग डाउनलोड कर लिए एप्पल वाले फोन में शायद नहीं हो रहा है ट्राई करके देखना दस दिन और लगेगा एडू डोस्ट बोलकर ऐप है ओके और व्हाट्सएप ग्रुप में हर दिन आ जाएगा शाम के क्लास के बारे में या हमारे यहां से आपको एक मैसेज आ सकता है एबीटीएफ बोल के मैसेज आया था कल या अमित सर या लॉ क्लास बोलकर तो पढ़कर सुनकर फिर आइएगा थैंक यू सो मच